ये सिंपल क्वेश्चंस लिख लेना. व्हाट मास ऑफ O2 गैस कैन बी फिल्ड इन 1 liter वेसल एट 1 ATM एंड 300 Kelvin if compressibility factor is 0.8. ये आपको क्वेश्चन दिया है. अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. तो यहां पे आएगा PV, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z दिया है, इंटू क्या होएगा N इंटू R इंटू T. आपको यहां पे प्रेशर दिया है 1 ATM, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, Z का वैल्यू दिया है 0.8, N का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप फॉर्मूला डाल सकते हो, मास ऑफ O2 अपॉन क्या आएगा मॉलिकुलर मास ऑफ O2. एक ऑक्सीजन का वेट है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा 32 रहेगा. फिर यहां पे R, R के बदले आएगा 1/12. टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन. आपको W ढूंढना है, तो W होएगा 1 × 32 × 12. 0.8 का डेसिमल हटाओ, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे कितना आएगा 300 आएगा. यहाँ पे आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 30 कर दो, 30 10 जार आएगा, 10 और ये 10 कैंसिल, 12 इधर 4 आएगा, सॉरी इधर 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा. दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1.5. सबसे पहले Z वर्सेस T, रियल गैस है, हाइड्रोजन या हीलियम ऐसा मेंशन किया ही नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, जाके ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये लो प्रेशर वाला पार्ट है. यहां पे ये जो पार्ट है ये इतना रीजन, इसको आप क्या बोलोगे, हाई प्रेशर रीजन. हाई प्रेशर रीजन में आपको पता रहना चाहिए Z इक्वल टू रहता है 1 + PV / RT रहता है. तो यहां पे आपको पता है P वेरिएबल है, तो यहां पे स्लोप का काम कौन कर रहा है, तो स्लोप का काम कर रहा है V / RT कर रहा है. तो स्लोप हमें दिया है V / RT, स्लोप का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, इट इज हाउ मच, इट इज 0.01. ओके, अब नेक्स्ट वाला पार्ट. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले यहां पे आपको पता रहना चाहिए PV ये इक्वल टू क्या रहेगा, Z × nRT रहेगा. अब सबसे पहले चीज यहां पे आपको किसका ग्राफ किसका प्लॉट करने बोला है, PV वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करने बोला है. अब पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, सबसे पहले चीज आपको जरा समझना है, जब आपका पी जीरो की ओर जाएगा तो ये कौन सा बिहेवियर दिखाएगा, आइडियल बिहेवियर दिखाएगा. आइडियल बिहेवियर दिखाने का मतलब क्या है कि इसका जो जेड का वैल्यू रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा. ओके, अब इससे रिलेटेड आपको समझाता हूं. तो सबसे पहले चीज यहां पे आप क्या कंसिडर करोगे, इसको आप y कंसिडर करोगे इक्वल टू mx प्लस क्या आना चाहिए, c आना चाहिए. तो यहां पे mx आएगा और यहां पे क्या आएगा, c आएगा. ध्यान देना प्रेशर किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है. तो प्रेशर जीरो की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि सबसे पहले चीज आपका यहां पे प्रेशर का जो लाइन रहेगा ये कांस्टेंट लाइन रहेगा.
प्रेशर का लाइन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो स्लोप रहेगा ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आपका एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका एक्स का काम यहाँ पे पी कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो इंटू पी लिख सकते हो। अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो ध्यान देना, तो यहां पे व्हाट यू आर डूइंग इज, ये पीवी का ग्राफ है, ये किसका है, पी वर्सेस पीवी का ग्राफ। इसका जो ग्राफ रहेगा ये कैसा रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, और ये जो है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये y एक्सिस को कट करेगा z इंटू एन आर टी पे, जहां पे आपका z का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है फॉर आइडियल गैस। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्या रहना चाहिए, नेक्स्ट आपको यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन में आपको दिया है इंटरसेप्ट, क्या दिया है, देन फॉर 2 मोल ऑफ गैस y इंटरसेप्ट कितना है, 40 लीटर एटीएम, तो c का वैल्यू आपको कितना दिया है, 40 दिया है, ये इक्वल टू कितना रहेगा, z इंटू एन आर टी रहेगा। z का वैल्यू यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दिया है, आर टी आपको क्या करना है, ढूंढना है, तो 40 अपॉन 2 कितना होएगा, 20, ये इक्वल टू क्या रहेगा, आर टी का वैल्यू रहेगा। अब नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे आर टी का वैल्यू मिल गया है, तो आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 0.01 इंटू क्या करोगे, आर टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इक्वल टू होएगा 0.01 इंटू क्या होएगा, 20, इसका डेसिमल हटाओगे तो ये होएगा 1/20 डिवाइडेड बाय 100 होएगा, विच इज व्हाट, 0.2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। अब जब हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला पार्ट कर रहे थे तो आपको मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये इक्वल टू रहेगा 4 इंटू एन ए इंटू क्या रहेगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा रहेगा तो यू कैन इवन डू, आप क्या कर सकते हैं, 4/πr³ को इसको वैसे का वैसे रहने दो, ये जो b है इसको 4 इंटू एन ए से क्या कर लो, डिवाइड कर लेना, तो आपको क्या मिलेगा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, b/4 into na, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। पार्ट क्लियर हो, कोई डाउट है तो सबसे पहले एट लो प्रेशर इफ आर टी इक्वल टू रहेगा 2 इंटू ए इंटू पी देन मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस इस, तो ये आपको कैलकुलेट करना। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए एट लो प्रेशर, आपको पता रहना चाहिए लो प्रेशर में पी प्लस यहां पे क्या आएगा, इट विल बी ए अपॉन वी एम स्क्वेर, यहां पे रहेगा वी माइनस एन बी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, आर टी। लो प्रेशर में आप वॉल्यूम करेक्शन टर्म को क्या कंसिडर करते हो, नियरली इक्वल टू जीरो कंसिडर करते हो, एंड जब आप डिवाइड बाय एन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, वी एम बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे क्या बच रहा है, पी ए अपॉन वी एम स्क्वेर, यहां पे क्या है, वी एम है, ये इक्वल टू क्या है, आर टी है, ब्रैकेट को जरा मल्टीप्लाई करो, पी इंटू वी एम, यहां पे वी एम और वी एम स्क्वायर कैंसिल, तो ये ए इंटू वी एम बन जाएगा,
इक्वल टू प्लस आर टी को यहां पे लेके जाओ, तो प्लस आर टी इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बी एन नीचे रहेगा इक्वल टू जीरो। अब आपको ये बी एम को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करो, बी एम करो, तो ये बन जाएगा पी बी एम स्क्वायर प्लस ए माइनस आर टी इन टू बी एम इक्वल टू जीरो। तो पी बी एम स्क्वायर माइनस आर टी इन टू बी एम प्लस ए ये इक्वल टू जीरो है। अब यहां पे सबसे पहले चीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए का काम कौन कर रहा है पी, बी का काम कौन कर रहा है माइनस आर टी, सी का काम कौन कर रहा है ए कर रहा है। आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू ढूंढना है विच इज व्हाट मोलार वॉल्यूम, जो आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करोगे, अपॉन क्या आएगा 2a आएगा, b के बदले आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आर टी होएगा, यहां पे क्या होएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर, 4 इंटू ए के बदले p आएगा, c के बदले a आएगा। अब यहां पे नेक्स्ट थिंग इज, आपको पता रहना चाहिए यहां पे एक चीज दिया था, दैट वॉज आर टी इज इक्वल टू वॉट, आर टी इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए पी। तो आप इसको एक सेकेंड देखते हैं, इसको ऐसे का वैसे रखो, आप इसको क्या करो माइनस आर टी इसका स्क्वायर करना, अपॉन क्या 2 इंटू यहां पे पी आएगा। अब ये रहेगा आर टी प्लस और माइनस, यहां पे आप क्या लिख सकते हो आर टी के बदले माइनस 2 इंटू रूट ऑफ ए पी लिख सकते हो, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ए पी अपॉन क्या होएगा 2 पी होएगा। चलो इधर सॉल्व करता हूं, तो वी एम इक्वल टू बन जाएगा आर टी प्लस और माइनस, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो यहां पे एपी बचेगा, माइनस 4 एपी होएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होएगा 2 पी होएगा, 4 एपी और ये 4 एपी वाला पार्ट कैंसिल आउट होएगा, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है आर टी अपॉन 2 पी, ये आपका क्या रहेगा वॉल्यूम का। सबसे पहले चीज यहां पे आपको क्या बोला है कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज रियल गैस का जो वॉल्यूम आ रहा है इट इज व्हाट 12% लेस, 12% लेस रहने का मतलब क्या है, ये कितना है 88/100% है, दैट इज 88% रहेगा किसका, कैलकुलेटेड वॉल्यूम का, कैलकुलेटेड वॉल्यूम मतलब वीएम ऑफ आइडियल। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, ये किसका फॉर्मूला है जेड का फॉर्मूला, विच इज व्हाट 88/100 विच इज व्हाट 0.88। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको क्या बोला है मोलार वॉल्यूम कैलकुलेट करने, तो पी वी एम इक्वल टू क्या रहेगा Z इंटू आर इंटू टी रहेगा, तो वी एम इक्वल टू Z का वैल्यू इज गिवन एज 0.88, तो आप इसको क्या कर सकते हो 88/100 कंसिडर कर सकते हो, R को आप 1/12, टेम्परेचर को आप 250, प्रेशर को आप कंसिडर कर सकते हो 15। अब ये जो 88 है इसको अप्रोक्सीमेट करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज 90, तो 15 6 आर 90, 6 2 आर 12, 2 125 आर, तो 125/100 ये रहेगा 1.25, ठीक है। वॉल्यूम किस में आप मेजर करते हो लीटर,
ये रहेगा मोलार वॉल्यूम, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा। तो आप देख सकते हो यहां पे जेड का वैल्यू 1 से लेस है, इसका मतलब क्या, इसको इजीली कम